है ना, हमें हिंदू धर्म बनाया, मुसलमान धर्म बनाया, क्रिश्चियन धर्म बनाया, बुद्ध धर्म बनाया, जैन धर्म बनाया और इतना जाने क्या किया। तो भागवत कहते हैं कि ये सब धर्म से हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। धर्म प्रोज्जिता कोई तो वक्त, ये जो धोखाबाजी सब जो धर्म है ये सब से हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत बने उसमें इंटरेस्ट, धोखाबाजी धर्म में हम लोग इंटरेस्ट नहीं। धर्म प्रोज्जित कोई तो अत्र परम निर्मल सराण, धर्म धार्मिक जो हो जाएंगे वो तो निर्मल सर हो जाएगा। और दुनिया का काम क्या है, मत्सरता। श्रीधर स्वामी उसका बताया है, पर उत्कर्षणम असहनम इति मत्सरता। दूसरे को तरक्की जो है उसको जो असहन होता है उसका नाम है मत्सरता। और धर्म जो है असल जो धर्म है वो परम निर्मल सरानां सता वास्तव वस्तु उपजितमत्र। तो ये धर्म की जब ग्लानी होती है तभी भगवान आते हैं। जदा जदा ये धर्म ग्लानी भवत, यानी ग्लानी का अर्थ होता है जो वास्तविक धर्म नहीं है और धर्म का नाम से सब चलता है चीटिंग करने के लिए। कोई तब का अर्थ होता है चीटिंग। तुम चीटिंग धर्म को ये जो भागवत में प्रोज्जित हो झाड़ू दे करके सब निकाल दिया गया है। प्रोज्जित प्रतिष्ठित रूप है ना, उज्जित जैसा कमरे में आप लोग झाड़ू देते हैं जितना गर्दे हैं उसको सब निकाल देते हैं। तो वो धर्म वही भगवत गीता में वही धर्म बताते हैं। मैं तो भगवान को बोलने का क्या जरूरत है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान पहले बताया धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं एक एक युग में अवतार ग्रहण करके आते हैं सिखाते हैं। तो वो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये जो हम लोग सब धर्म सब आविष्कार किया है, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म और ये धर्म ये धर्म को रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते, इसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का इंटरेस्ट है कि जो असल धर्म है कोई धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो धर्म भगवान दिया है उसमें जब ग्लानी पहुंचता है उसलिए भगवान आते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, जब गवर्नमेंट का कानून आप तोड़ते हैं तब गवर्नमेंट इंटरेस्ट होते हैं, आपको शासन करते हैं, आपको समझाते हैं। और नहीं तो घर में आप कुछ धर्म का विचार किया, उसको तोड़ा, उसको फिर बनाया, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो धर्म संस्थापन करने को आते हैं वो कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म और जैन धर्म ये सब धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। इसको तो भागवत कह दिया कोई तो वक्त्र असल जो धर्म है जतो भक्ति रधो खजी। जिस तरह से वो भगवान अदक्षजों में भक्ति होती है उस असल धर्म में, जतो भक्ति अदक्षज, ये जो भगवान जो बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान चरण भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत तो कौन आ जाएगा। यदि भगवान का भक्त नहीं है वो क्यों भगवान का चरण में शरणागत तो पसंद नहीं करें, बोलते हैं सब ये तो बहुत मांग है तो सब छोड़ करके ताकि कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाए, ऐसे बोलते हैं बड़े बड़े साहब तथा कथित विद्वान लोग सब बोलते हैं। ये और भगवान तो है सब बहुत
हमारा ये भगवान है, वो भगवान है। आजकल तो भगवान मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये सब भगवान है। और खाली कृष्ण का बोलता है, आप लोग बड़ा सेक्टेरियन है, केवल कृष्ण का बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसे मतलब असल में भगवान तो कृष्ण ही है, हम तो सब चोर है, इसको जानते ही नहीं है। क्यों मनुष्यानाम सहस्येषु कश्चित् जदति सिद्धये जदताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्तिमाम तत्। भगवान को समझना कोई साधारण बात है क्या? मैन्युफैक्चर कर लिया, बोर्ड से भगवान बना लिया, नहीं, इतनी सस्ता नहीं है। वो भगवान इसलिए खुद आते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान कि निराकार है कि आकार है, कि मनुष्य है कि गधा है, क्या है, खुद आकर के बताते सामने। बाकी मूर्ख लोग वो समझते हैं कि हमारे यही से कोई व्यक्ति है, अभिजानंती माघ मूढ़ा मान सीमित अनुवासित, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला करके, भगवान रामचंद्र रूप से आते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं शास्त्र का अनुसार। हाँ, तो वो जो धर्म बता जाते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वृथा परिश्रम होगा। इसलिए बताते हैं धर्म समस्थिता पुंसा धर्म सानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सूर्य नोत्पादय ग्रथि यदि समय वही केवल। आप कौन धर्म का पालन करते हैं? हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप क्या धर्म पालन करते हैं? हम ब्राह्मण धर्म पालन करते हैं। आप? हम मुसलमान धर्म पालन करते हैं। आप? हम बौद्ध धर्म। आप? जैन धर्म। आप? जैसा एक एक व्यक्ति को लीजिए, बड़ी अच्छी तरह से सब पालन करता है, जैसा नियम है उनका एक एक धर्म का। हम लोग का दिए, हिंदू का दिए, जो मंदिर में जाना, कोई मस्जिद में जाता है, कोई और कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि सानुष्ठित धर्म, धर्म सानुष्ठित पुंसा, अपना अपना धर्म खूब अनुष्ठान करते हैं। पुंसा विशक से न कथा छू जो नोत्पाद है, तो धर्म खूब पालन किया। बाकी विशक्ष है, भगवान का और एक नाम है, तो उसमें रति नहीं। भगवान क्या चीज है पूछिए, जितना सब धर्म धजी है, सब एक एक ध्वजा लेके सब धर्म का लिए खड़े हुए हैं, उसको पूछिए बोलिए भगवान क्या चीज है। तो भगवान क्या बोलने का चीज है? वो तो निराकार, कोई बोल नहीं सकता। वो असल में माल में कुछ नहीं। और हमारा जो धर्म है, जो भागवत धर्म, हमको कोई पूछे इमीजिएटली हम बोल देंगे, देखिए कृष्ण भगवान से हम, उसका एड्रेस है वृंदावन, उसका बाप का नाम है ये, अब क्या चाहते हैं? ये धर्म बिल्कुल साफ स्पष्ट बता देते हैं। और किसी को पूछिए वो तो बोलने का, भगवान कुछ बोलने का है क्या? और तो साहब निराकार है, वो है, वो है। तो इसलिए कहते हैं ऋषि लोग, जो आप धर्म खूब जाजन किया,
और भगवान क्या चीज है नहीं जानते। नोत्पाद जगी समय वही केवल केवल तो परिश्रम किया और तो कुछ लाभ नहीं हुआ। धर्म का जाजन करने से क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जो धर्म का प्रणेता है जैसा हम लोग जो गवर्नमेंट का कानून ग्रहण करते हैं, हम लोग जानते हैं जो इंदिरा गांधी है वो प्रधान है प्रधानमंत्री है और ये कानून को जारी किया, ये सब जानते हैं। इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जो कानून किया है उसको समझना, और यदि भगवान को ही नहीं जानते हैं और क्या बताए हैं ये सब हम नहीं जानते हैं, तो फिर हिंदू धर्म मुसलमान धर्म पालन करने से क्या लाभ है। श्रम ही वही की उसमें और कुछ लाभ नहीं है। और एक जगह में बताया है कि भक्ति से स्थिति भक्ति उपास्य कृषंति जी के बलबोध लब्ध है देशान क्लेश अवशिष्य दे नान्यथा स्थूल तुषा होगा। असल चीज समझाने जो धर्म का क्या उद्देश्य है, सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधी, और भगवान बता रहे हैं भक्त्यावाम अभियान थी, वो भक्ति का विषय कुछ ज्ञान नहीं हुआ और भगवान को नहीं समझा है, तो उसके लिए बताते ये जो सब धर्म है कई तब धर्म है और उसमें और कुछ लाभ नहीं होता है, वो धर्म जाजन करने का जो परिश्रम है वही लाभ होता है और कुछ लाभ नहीं होता। तो पिछले शास्त्र बताते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च जल अहितकम्। मनुष्य जीवन में दो चीज लाभ करना है, एक ज्ञान एक वैराग्य, ये धर्म का उद्देश्य है। और सब बताएंगे जो ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान ये जो अज्ञान है कि मैं शरीर है ये तो अज्ञान है, और ज्ञान लाभ करना चाहिए कि हम शरीर नहीं है अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा नियम है भगवान वासुदेव भक्ति जो नियम होता है तो उसमें ही लाभ होता है, जनयति आशु वैराग्यम। और ज्ञानं च तद अहितकम्, ज्ञान से मैं जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं है, तो हम तो जीवन भर केवल शरीर के लिए ही परिश्रम किया तब वो और उसे उसी के लिए वो परेशान है, तो ये जब मालूम हो जाता है तो मैं तो शरीर नहीं है वास्तविक तो यही ज्ञान है। भगवान जब अर्जुन को समझाया पहले यही बात समझाया कि असच्चान अनुसूच संघ प्रज्ञावादान सुभाष कथासुन कथासुन च नानुसूचंती पंडित, तुम जब शरीर के लिए इतने परेशान है ये कोई ज्ञानी का बात नहीं है, नानु सोचन पंडिता ये वैदिक सिविलाइजेशन है, शरीर जाता किसी तरह से पालन करो, ऐसी नहीं है शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जहां तक जरूरत है उसके लिए जरूर संग्रह करना चाहिए परिश्रम करना चाहिए, और केवल शरीर का लिए ही दिन भर परिश्रम करना वही स्वार्थ ऐसा ये उचित नहीं है, इसको शास्त्र में मना करते हैं। नायंग देह देह भाजांग जो कि कष्टान काम केवल कष्ट करना शरीर के लिए ये उचित नहीं है, ये तो स्वर्ग करता है। तो ये धर्म सिखाया जाता है, ये वैदिक धर्म है, वेद इष्ट सर्वयामेव वेदम, तो भगवान को समझना जतो भक्ति रघुखजी, और
वो यदि पहले ही से ही वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रेरिता और एक जगह में है नहीं अजामिन उद्धान में बताया है कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परा अघंग धुनती का स्न निहार विवभास्कर। तो ये वासुदेव भक्ति जो है इसको ग्रहण करने से वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रेरित जनयती आशु वैराग्यम। ये जो भौतिक जगत में हमारा आकर्षण है इसमें वैराग्य हो जाएगा। ये भक्ति का यही पहचान है भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्नत्र सा। ये साधारण बात है जो चीज मैं है नहीं उससे हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है। मैं शरीर नहीं हूं और इस शरीर के लिए इतना परिश्रम करना दिन भर स्वर का जानवर का ऐसा ये उचित नहीं है। परंतु जो ब्रह्म वस्तु है उसका विषय जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत सूत्र का नियम है और जिज्ञासु श्रेय उत्तम। इस विषय में जो जिज्ञासु है उसके लिए गुरु का जरूरत है। तस्मात गुरु प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तम विषय में उत्तम विषय यही है ब्रह्म वस्तु आत्मा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। ये सुखदेव गोस्वामी बता जो महाराज पर जब बोला जो महाराज हमारे साथ 7 दिन परमायु है हमको क्या सुनना चाहिए क्या करना चाहिए आप बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताया सुतुभ्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्र अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। ये जो जो गृहमेधी है जिसका कुछ काम नहीं है बस घर संसार को ही प्रतिपालन करना है उसको गृह मेधी कहा जाता है। और गृहस्थ अलग चीज है गृहस्थ है गृहस्थ आश्रम जैसा मुनि लोग का आश्रम होता है संन्यास आश्रम होता है ब्रह्मचारी आश्रम जो गृहस्थ भी एक आश्रम है श्री पुत्र परिवार लेकर के रहते हैं बाकी उद्देश्य है भगवान को कैसा लाभ हुआ उसका नाम गृहस्थ है। और वो उद्देश्य जिसका नहीं है उसको गृह मेधी कहा जाता है। तो गृह मेधी कौन है अपश्यताम आत्मतत्वम जो आत्मतत्व के विषय नहीं जानता है वो गृह मेधी है। उसको क्या काम है देहापत्त करत्रादिषु आत्मसन्नेषु असस्वपि तस्य निधनं परमत्त तस्य निधनं प्रसन्नपि न पश्यति। ये गृह में भी है जो वो समझता है कि हमारा ये जो गृह है देह शरीर है बड़ा तगड़ा और बड़ा सुंदर गृह है देहापत्त हमारा संतान भी बड़ा सुंदर है सब और कलत्र स्त्री भी बड़ा सुंदरी और सब बात में सब ठीक ठाक है देहापत्र कलत्रादिशु वो समझते ये सब हमको बचाए आत्मसैन्यशु जैसा लड़ाई करते हैं कोई अपना सिपाही लेकर के। तो जो व्यक्ति यही समझता है जो हमारा ये सब सिपाही है देहापत्र कलत्रादिशु और जो समझते नहीं ये सब नाश हो जाएगा ये सब सिपाही जो है सब खत्म हो जाएगा फिर हमको कौन बचाएगा वो नहीं समझता है देहापत्त करत्रादिषु आत्मसैन्यु असत्सु अपी सब जानते ही है सब खत्म हो जाएगा बाकी उसी में निर्भर भगवान क्या चीज है आत्मा क्या वस्तु है उसको नहीं समझता है तो उसको प्रमत्त कहा जाता है पागल परमात्मा तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। जैसे पागल है देखता है जो एकदम व्यक्ति रास्ता में सो गया और उसका कुछ चोर भी लग गया कोई गाड़ी से तो वो भी समझता है जहाँ हम परवाह नहीं करते कभी कभी पागल लोग रास्ता में सो जाते हैं। तो परमात्मा तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति
ये सब विचार करना है, धर्म क्या चीज है उसको विचार करना है, और भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो असल जो धर्म है वो हमारा चरण में शरणागत हो जाना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम्, उसमें तुम्हारा सब लाभ है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मा शुच, वो धर्म का लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट धर्म, धर्म विहीन होने से पशु ही रह जाता है। धर्म जरूर होना चाहिए, बाकी धर्म क्या चीज है उसको समझना चाहिए। वो धर्म है जतो भक्ति अधो खली, वो भगवान में जिस तरह से भक्ति होती है, भगवान से जो संपर्क हमारा टूट गया है वो फिर प्रतिष्ठित कैसे होगी, उसके लिए वो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित, वो धर्म असल है। और वो इतना सरल भी नहीं है और बहुत सरल भी है, क्योंकि किसी को कहा जाए तो सब धर्म छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण में शरणागत हो जाओ, वो उसमें नाराज हो जाते हैं, वो सुनता है नहीं। बाकी बात वही है, वो आज नहीं समझेंगे, बाकी वास्तविक यदि धर्म का चर्चा करते रहेंगे कोई दिन ज्ञानवान होगा तो उसी को समझेगा। बहुनाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान मान प्रबंध, वही काम करने पड़ेगा, बाकी अनेक जन्मांतर एक दिन में समझा नहीं। भगवान आके खुद खुशामद कर रहे हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य वासुदेव साहब, उसको नहीं समझा। बाकी वास्तविक यदि वो ज्ञानी है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या जीवन का उद्देश्य क्या, ये विषय में यदि अनुसंधान करते रहते हैं तो एक दिन अनेक जन्म के पश्चात एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि वासुदेव सर्वनीति स महात्मासुदेव बहुनाम जन्म, तो बुद्धिमान कौन है जो अनेक जन्म तक भगवान वासुदेव के शरणागत तो होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, तो क्यों बहुजन्म क्यों नष्ट करें। ये बुद्धिमान है, भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, इसी को न ग्रहण करें, हम बहुजन्म क्यों अपेक्षा करें, ये बुद्धिमान है। इसलिए चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि कृष्ण जे भजे सेवर चतुर, जो कृष्ण भजन करते हैं वही सबसे चतुर, ऐसा मूर्ख कदा है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न आप लोग करिए, कोई सज्जन प्रश्न करना चाहें, कोई शंका समाधान उसी होता है, कोई बात सबके मन की होती है वो उसका विश्लेषण हो जाता है। जी कैतव धर्म का और विशेष रूप से प्रतिपादन कर दीजिए। कोई तो मैंने जिसमें है कुछ लाभ नहीं है, चीटिंग, तो चीटिंग में आप क्यों फंसे, इसमें कोई काम्य कर्म आ जाते हैं, ये जो कामना है कि हम आपका ये हे हनुमान जी हमारे ये काम करना है, भगवान हमारे ये काम करना, हम आपको इतनी पूजा करेंगे, ये भी कैतव है। अहोहितुकी अपतिहता, इसीलिए बताया अहोहितुकी, कि भगवान को भजन करेंगे इस कामना के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। निष्काम जो इतना पैसा दीजिए तो आपको ये काम कर देंगे, हम पांच आने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काम वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं। उसमें आर्त भी है जो बचना चाहता है आपत्तियों से, और अर्थार्थी यानी जो बिजनेस भी सिद्ध करना चाहता है, उसको बताया है सुकृति ना पुण्यवान बताया, वो भक्त नहीं है। पुण्यवान इसलिए है जो किसी तरह से भगवान का पास आके पहुंचा, जैसा आग का पास आने से कुछ गर्मी तो जरूर हो जाती, इसी प्रकार शास्त्र में बताया है कि अगर तुम्हारा कामना भी है तब भी तुम भगवत भजन करो, उसमें तुम्हारा कामना भी पूर्ण हो जाएगा और भक्ति भी रहा हो।
शास्त्र में है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार भी तीव्र न भक्ति योगे न जगे तो करम पुरुष। तीन प्रकार के व्यक्ति है, जिसका कामना है वो है, और जिसको कामना बिल्कुल है नहीं वो भी है, और जो मोक्ष कामना करते हैं यानी कर्मी ज्ञानी योगी भक्त। जो कर्मी उसका कामना है और ज्ञानी उसका भी कामना है, वो मुक्ति चाहते हैं भगवान का साथ एक हो जाना, उसको भी मांग है। वो कर्मी जो है वो भौतिक सुख चाहते हैं, जो हमको अच्छी धनंग दे, रूपम दे, रूपों की बार जा दे, जसो दे, ये सब दे। और ज्ञानी इसमें जब परेशान हो जाता है, देखा जो धनी भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, और भी हो गया, और भी हो गया, सुख कुछ मिला नहीं, तब बोले इसको छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सब। तो उसमें भी वही कामना है, अब भगवान से एक हो जाए, मुक्ति मुक्ति जो भगवान से एक हो जाए। तो अब योगी जो है वो भी चाहते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति सिद्धि, और सीता बसीता है, बड़ा सब मैजिक दिखाते हैं, ये सब चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। और अकाम जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भक्त है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का बताया है जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो भुक्ति चाहते हैं कर्मी, और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, और जो सिद्धि चाहते हैं योगी, ये सब अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति भी तो भक्ति चाहता है, वो भी नहीं, वो तो साधारण है। जैसा भक्ति भगवान से और भक्त से नित्य संपर्क है, जो मोमीवांश जीव पुत्र, वो तो सेवा, जैसे हाथ का काम है शरीर का सेवा करना, इसको मांगना नहीं है, ये साधारण है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा। अब भगवान को सेवा, भगवान की सेवा छोड़ करके वो जो माया की सेवा में लगे हैं, उससे छुटकर मांगना, भगवान से प्रार्थना जरूर करना, जिससे हमको छुट्टी करेंगे। ये जो माया की सेवा में हम फंस गया, तो उस वो तो कामना जरूर करनी चाहिए। हरी नंद तनुज पति किं कर मांग भी समय भवाम बुझो। ये जो उषा भवाम बुझी में मैं गिर गया हूँ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूली सदी संग विचिंत। आपका नित्य किंकर है, ये भूल करके ये भव समुद्र में मैं गिर गया है, परेशान हो रहा हूँ, कृपा करके आपका चरण का धूली ऐसा हमको मान लीजिए। ये तो प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि उसका काम ही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी, ये तो माया में फंसना है, इसीलिए वो अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। बाकी यदि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए भी भगवान के पास पहुंचता है, तो एक दिन उसका भगवान को भक्ति लाभ हो जाए। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जैसा बताना जो चतुर्विधा भजन पे मांग, तो ध्रुव महाराज वो एक राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करने को गया जंगल में। नारद जी समझाया, बेटा बच्चा है, क्यों तुम्हारा इतना क्यों गुस्सा, तुम्हारा मान अपमान किया है पिता माता का, मैं बहुत कुछ समझाया, नहीं ये सब हम नहीं समझने चाहते, आप बोलिए कोई उपाय है तो बोलिए, हम भगवान को दर्शन करेंगे, उनसे मांग लेंगे। तो भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ, तब जब भगवान बोलता है, लो बेटा क्या चाहते हैं, लो, बोलता है सामीन कृतार्थोऽस्मि वरं न जाचि। अब तो मैं कृतार्थ हो गया, अब हमको बच गया चाहिए, तो ये लाभ होता है। यदि भगवान का पास कोई जाता है ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम के लिए, तो
जब भगवान की कृपा उनका पर हो जाता है फिर वो सब नहीं चाहते हैं। भगवान ये सब हम कुछ नहीं चाहिए, साम इन कृतार्थ हो, उसमें मैं तो कृतार्थ हो गया आपके दर्शन से। काचंग विचिन्नन अभी दिव्य रत्न, हम तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था और हमको हीरा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। काचंग विचिन्नन अभी दिव्य रत्न साम इन कृतार्थ, जंगलब्धा चाप रंग लाभ मन्नते नागंग। जब भगवान को मिल जाता है फिर वो सब तुच्छ समझता है। तत्ता तू नमसी समंडल प्रति सदा तुच्छ। ये गोस्वामी लोग मिनिस्टर थे, रुझाव छोड़ दिया, सदा तुच्छ। भुत्ता दीन गणेश को करो नया को भी न गंथा सुखो, और बिल्कुल भीख मांगना भिक्षुक बन गया, कोपी न गंथा। ये सब विचार है जो परम वस्तु परम दृष्टा निवर्त, परम वस्तु मिलने से पी रही जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है। परम वस्तु मिलने से पी रही जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है। इसलिए सब शास्त्र में यही रिकमेंड करता है, यदि आपको भुक्ति मुक्ति सिद्धि का कामना है तब भी आप भगवत भजन कीजिए, और भक्तों के लिए तो कोई बात ही नहीं, तो भगवत भजन करिए। ध्यान योग जो है, एक तो कली युग में साधन नहीं हो सकता। कृतयुग अध्याय तो विष्णु, कृतयुग का था शत्रुयुग, उसमें ध्यान धारणा प्राणायाम आसन ये सब हो सकता, अब ये नहीं हो सकेगा। तृतीय अध्याय तो विष्णु, त्रितायन जज तो मकई दापरे परिचय कलो तद हरि कीर्तन, वो हरि कीर्तन से जो ध्यान होता है वो श्रेष्ठ है। जोगी नाम अभी ध्यान जोगी के लिए है, ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति जोगी न, जोगी लोग ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं जोगी नाम अपी सर्वेश मदगत अंतरात्मा सद्यावान भजते जो मांग समय युक्त, जो भगवान को सब समय ध्यान करता है कृष्ण को, वो सबसे बड़ा जोगी है। तो ये हरे कृष्ण नाम जपने से सब समय भगवान का स्मरण होता है, वो सबसे बड़ा जोगी है, उससे और ध्यान करने वाला कोई है। वही तो बता रहा है, सबसे बड़ा जोगी बन जाएगा। विशेषकर समय कौन सा उपयुक्त है साधना में? नियमित स्मरण है न काल, कोई नियम नहीं है, सब समय हरे कृष्ण बोलते बिल्कुल खुला हुआ है। और हमारे प्रकांड विद्वान है, हमारे राग मूला है, और राग मूला होने से प्रवृत्ति आत्मक होती है। तो ये जो आपका उपदेश हुआ ये तो की कथा ज्यादा कहता है, क्या ये नहीं हो सकता कि संसार में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर ले? तो इसको प्रवृत्ति मूलक माने व्यक्ति को या निवृत्ति मूलक माने? नहीं, इसलिए तो पहले शुरू किया था सभी पुंसांग परोधन, परोधर्म का अर्थ है निमित्ति मूलक। हाँ, और प्रवृत्ति मूलक जो है वो परधर्म नहीं है, अपरधर्म है। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं परधर्म का विषय, सभी पुंसांग परोधर्म जो तो भक्ति रदो भक्ति, दो प्रकार का धर्म होता है, प्रवृत्ति मूल और निमित्ति। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्ति सु महाफलम, तो निवृत्ति मूलक धर्म ग्रहण करना चाहिए। नहीं, भक्ति प्रवृत्ति मूलक नहीं होती, निवृत्ति भक्ति परिसानुभव विरक्ति अन्य तो निवृत्ति हो जाएगी। भगवत विषयक राग तो निवृत्ति मूलक ही है, भगवत विषयक राग तो प्रवृत्ति मूलक होता ही, राग तो प्रवृत्ति मूलक ही होता है। नहीं,
राग तो जरूर रहेगा, एक विषय में राग है तुच्छ विषय में, उसको छोड़ करके जो उत्तम विषय में राग है उसका नाम है असरियल राग, परंग दृष्टा निवर्तते। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान मार्ग जो वेदांत का है उसको भक्ति के साथ मिला करके ये बात कर दी गई हो, प्रवृत्ति मूलक के साथ में। हाँ, ज्ञान मिश्रा भक्ति उसको बोला जाता है, बाकी शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान से भी अतीत अजामिल है, नहीं अजामिल जो है वो शुद्ध भक्त हो गया, जब भगवान का नारायण का नाम लिया तो वो शुद्ध भक्त हो गया। नाम नाम या भिन्न, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षः, वो सब पाप से मुक्त हो गए। ज्ञानी आत्मैवमेवतः ज्ञानी इज माय ओन सेल्फ, ज्ञानी की बड़ी महिमा का वर्णन भगवान। हाँ, ज्ञानी भक्त जो है, भक्त ज्ञानी होता है, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है। ज्ञान का पश्चात भक्ति होती है। ये जो धारणा है कि मूर्ख लोग सब भक्त हैं और ज्ञानी लोग बड़ा उसे है, ये भी एक मूर्ख का है। क्योंकि बिना ज्ञान से भक्ति होती ही नहीं। वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध, ये जो भगवान का चरण में प्रपत्ति, ये भक्ति है। बाकी वो कौन करता है, जो बहु जन्म ज्ञान की चर्चा करके पूर्ण ज्ञानवान होता है तब करता है, तो ये भक्ति है। महाराज जी, अनन्यता का क्या स्वरूप है? अनन्यता कोई अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनाभितम, ये अनन्य है। उसमें ज्ञान भी का जरूरत नहीं है, कर्म का भी जरूरत नहीं है, वो शुद्ध भक्ति है। आनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ज्ञान का भी ऊपर है। उधर भगवान भी बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती नकांक, ये ज्ञान का भूमि है। ब्रह्मभूत अहं ब्रह्मास्मि, फिर दुनियादारी में उसको कोई सोचना नहीं, भाई आकांक्षा भी नहीं। समस्त सर्वेषु भूतेषु सब एकता दर्शन करते हैं, मन भक्ति लभते परा, ये अवस्था का पश्चात फिर भक्ति लाभ। तो भक्ति साधारण नहीं है, पूर्ण ज्ञानवान होने का पश्चात तब वो भक्त होते। और ये जो समझते हैं, जो भक्त लोग प्राय मूर्ख होते हैं, मूर्ख नहीं है वो, ज्ञानवान है, बाकी मूर्ख उनको मूर्ख समझता है। क्योंकि भगवान कहते हैं तेषा एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमो नाशयामि, जो भगवत भक्त होते हैं उसको जो अज्ञान है भगवान खुद कहते हैं हम उसको नाश करते हैं, फिर वो अज्ञान कैसे रहेगा? जिसको अज्ञान भगवान खुद चार्ज लेता है मैं उसको नाश करता हूं, उससे ज्ञानी कोई हो सकता है? साधारण ज्ञानी हो तो मेंटल स्पेकुलेटर है, उसको ज्ञान क्या है? और भक्त के लिए भगवान खुद कहते हैं तेसा मेवा अनुकंपा, तो अनुकंपा करके देखो जी, ये सब चीज समझते हैं ना, इसको समझा। हाँ, सर्वस्व चाहंग रिधि सन्निविष्ट, भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं, वो ज्ञान देता है, उससे ज्ञानी कौन होगा? जो भगवान से ज्ञान लाभ करता है। इसलिए वो जब भगवान से ज्ञान लाभ करता है तो तब हो जाकर के समझता है जो वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुरु, वो पूर्ण ज्ञान। भक्त्या माम विजानाति यावान् इच्छामि तत्त्वतः, भक्ति के द्वारा वो मेरे स्वरूप को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ। भक्ति के द्वारा उसको जानता है या जानने के बाद तब भक्ति करता है? नहीं, भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझता है
और समझने के बाद में भक्ति करना। इसलिए भक्त का जो प्रयास है और जो प्रयास का जो फल है दोनों ही एक चीज, एक ही चीज। साधन और साध्य वस्तु एक ही वस्तु। अगम है उसके लिए जो भगवान तक पहुंचाने, उसके लिए अगम है। और जो भगवान पास पहुंच गया वासुदेव सर्वनीति, वो ज्ञानी सुदुर्लभ है। इसलिए उस प्रकार ज्ञानी जो भगवान को समझ गया, जन्म कर्म से दिव्यम जो जाना थी तत्व, वो ज्ञान का आखिरी तक पहुंच गया है। नहीं तो ज्ञान अगम्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक जो देन है हमारी युग के लिए, उसका दो मिनट क्या जी, महाप्रभु चैतन्य का जो व्यक्तित्व है उसमें क्या वैशिष्य है, विशेष वैशिष्य? विशेष वैशिष्ट यही है जो रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया और नमस्कार किया, उनको बताया नमो महाबदारनाय। ये वैशिष्ट बदारण किसको कहा जाता है, जो दान करने वाला, दाता को बदारण, जो हाथ खुल के दान करता है उसको बदान बोला जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो चैतन्य महापुरुष को रूप गोस्वामी कहते नमो महाबदान आय, बदान नहीं महाबदान। ये चैतन्य क्यों, कृष्ण प्रेम प्रदाय, जो आप हाथ खुल करके कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये चैतन्य महापुरुष वैशिष्ट। नमो महावदान नाय, कृष्ण कृष्ण को ही समझता नहीं, वो कृष्ण प्रेम को देता। लो ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रथम श्लोक है चैतन्य अष्टक, ये तो दर्पण मार्ग, उसकी थोड़ी सी आपके मुखारविंद से व्याख्या। हाँ यही है, जो असल में हम लोग को जो तकलीफ है वो हमारा चित्त में अनेक जन्म जन्मांतर का गर्दे सब भरे हुए हैं, उसको मार्जन करना चाहिए। तो परिसर कीर्तन का ऐसी प्रभाव है जो पहली हुई बात हो जाती, जो कि जन्म जन्मांतर का तपस्या करके, ज्ञान की चर्चा करके, योग करके, जो ये गर्दे हैं उसको साफ किया जाता है, वो हरि कीर्तन, ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तनादि व कृष्ण समुक्त संग परम विजय, ये जो शास्त्र का निर्देश है कि भगवान कृष्ण का नाम करने से ही वो जो चित्त में गर्दे सब भरे हुए हैं वो सब नाश हो जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापनम, और चित्त दर्पण मार्जन हो जाने से फिर ये जो हमारा भव महादावाग्नि है, भुत्ता भुत्ता प्लियते, एक दफे जन्म लेना और फिर परिश्रम करना, फिर और एक जीवन और एक जीवन, ये दावाग्नि स्वरूप जो है ये निर्वापित हो जाता। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कई रवचंद्रिका वितरणम, फिर उसको वास्तविक जीवन का जो श्रेय है, श्रेय वस्तु है, वो श्रेय है भक्ति, श्रेय स्थिति भक्ति, उसको विकास होता है।
जैसा चंद्रमा की रश्मि प्रतिवर्ष से शुरू करके पूर्णिमा तक आस्ते आस्ते विकास होता है, इसी प्रकार वो भक्ति चंद्रमा विकास होता है। इसी प्रकार आस्ते आस्ते सब सुख का आस्वाद उनको मिलता है, इसलिए परम विजय थे श्री कृष्ण जन की ये कंक्लूजन किया, भगवान कृष्ण का नाम ही सबसे विजय लाभ कर। इसलिए भगवान साहब ये चैतन्य महापुरुष रूप से आए, ये शास्त्र में विधान है कि कलो हरि कीर्तना चैतन्य महापुरुषावन्नम कृष्ण वर्णम त्रिषाकृष्ण सांग पांगास पार्षदम जगई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेध शास्त्र में है विधान। कलयुग में जो भगवान की जो मूर्ति जो चैतन्य महाप्रभु आपका सामने है, केवल हरि कीर्तन करके जैसा ये लोग आपको दिखाया, जो चैतन्य महाप्रभु का पदानुसरण करके चैतन्य महाप्रभु ये दिखाया है उसी को अनुसरण करते हैं हम लोग चैतन्य संप्रदाय। तो कलयुग इतना मूर्ख हो गया, पहले ही बताया, जो धर्म फर्म कुछ नहीं जानते हैं सब भूल गया, इसलिए उनको जगाने के लिए यही एकमात्र उपाय है कीर्तनादि व कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजे। केवल यदि हरे कृष्ण कीर्तन करें तो आस्ते 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 मुक्त हो जाएगा और परम धाम में चले जाएंगे, तो इसका नाम है धर्म। तो कलयुग में ये सब आदमी अत्यंत प्रतीत होने का कारण ये भगवान कृष्ण नाम से, कृष्णा स्वयं कृष्णा कृष्ण नाम से अवतार हुए हैं, इसको आप लोग ग्रहण कीजिए सुखी हो जाए। कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते व गतिरन्नता, कि यदि आप लोग कृष्णा नाम ग्रहण करेंगे तो केवल यही हरे कृष्ण नाम से आप पवित्र हो जाएंगे, आपको चेत दर्पण मार्जनम शरीर मन में जो जितना गर्दे हैं वो सब साफ हो जाए, चेत दर्पण फिर आप समझ जाएंगे जो आपको क्या पोजीशन है आगे बढ़ने की अंतवा ये चेंज। पहले तो ना करिष्ये वचन अंतव पहले था, तो भगवान उनको शासन किया, लेकिन तुम लड़ाई आकर के क्या दिल लगी करते हो क्या हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये कोई भद्र आदमी का बात है क्या, अनार्ज जुष्ट ये कोई आर्ज का बात नहीं है, ये अनार्ज का बात है, ऐसा मूर्ख है तुम, लड़ाई करने को आया है और हमारा मित्र है तुम परिचित है अब भग जा रहे हो। तो ये मन उनका था, क्या भगवान बोल रहे हैं तो लड़ाई का है, वो कहते हैं ना करिष्ये वचन अंतव नहीं तुम्हारा बात नहीं सुने। और भगवत गीता सुन के ये सिद्धांत किया करिष्ये वचन अंतव, वो ना उठ गया, वो ना नहीं है नहीं करेंगे, ये परिवर्तन हो गया, कोई समझ में मुश्किल नहीं, पहले था ना करिष्ये वचन अंतव अब हो गया करिष्ये वचन अंतव, ये चेंज होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ये चेंज होता है, जो भगवान जो भगवत गीता में बोल रहा है करिष्ये वचनम प्रभाव, वो उसका गीता पाठ सफल हो, और नहीं तो मूर्ख ही रहा, नमान दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धंती न। तो सबके उचित है जो गीता पढ़ करके बुद्धिमान हो जाए और कहें करिष्ये वचनम प्रभाव, भगवान कृष्ण आप जो बोल रहे हैं वही बात हम करें। मैंने पहले बताया था कि प्रश्न जिसको करना है तब दिली प्राणी पात्रा परिपाट लेना सेवा, पहले आप यहाँ नमस्कार करो, ये जो दो प्रश्न आज एक साथ मिलते हैं, एक है बड़े का गुरु और दूसरा उसके साथ रहता है, आपने कहा है कि ज्ञानी होते हुए भी
ज्ञानी मन का गुरु कहलाकर लोग हटते हैं। कृपा सच्चे गुरु की परिभाषा बताने कृपा करें। हाँ, गुरु वही होता है कि जो भगवान जो बताते हैं उसको प्रचार कर। भगवान जो बताते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामी गंग शरणं व्रज, ये धर्म है। और गुरु का काम है कि देखो जी, सब धर्म छोड़ करके कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ, बस वो गुरु है। और नहीं तो सब चीटर है। जो खुद कृष्ण बन जाता है वो चीटर, और जो बोलता है कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाओ वो गुरु है। वैसे ही फर्क है। आप लोग उसको फर्क कर लीजिए, क्या बोलता है। यदि बोलता है जब कृष्ण जैसे बताते हैं मामी कंग शरण में, जो गुरु भी बोलता है जो देखो जी कृष्ण का चरण में शरणागत, कृष्ण स्वयं भगवान है और उसका चरण में शरणागत वो गुरु है, और जो अनशरण भक्त है वो गुरु नहीं है। ये बात है, दोनों बात से देख लीजिए, हो गया। कहते हैं पहला जो प्रमाण के अर्थात राम के नाम से बना, दूसरे ने कृष्ण प्रतिपादित हुए, और तीसरा जो कब हुआ, पहला जो महाभारत का लड़ाई हुआ, पहला युग में रामायण में राम रावण के साथ हुआ, दूसरा ने कृष्ण के जिनका महाभारत हुआ, और तीसरा में क्या होगा। तीसरा में आपको लड़ाई करने पड़ेगा, आप अवतार है। तीसरा में क्या होगा, अभी दूसरा में ही तो रहिए। जो दूसरा में जो भगवान कहते हैं उसको तो मान लीजिए, फिर तीसरे का बात खबर लीजिए। अभी जो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसको तो ग्रहण कीजिए, फिर तीसरे दफे क्या कहेंगे। तीसरे दफे है ये चैतन्य महापुरुष, वो कहते हैं हरे नाम हरेन्नाम केवलम कलो नास्ति गुना। ये शास्त्र का वचन है, चैतन्य महापुरुष खुद नहीं बोलते, ये बृहद नारदीय पुराण में ये वचन है कि कलयुग में केवल हरे नाम केवलम ये सब कीजिए तो आपको उपकार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया है, श्री साई बाबा से ये भगवान ये सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग मूर्ख है, कृष्ण को ही जानते हैं, और कुछ नहीं। हम लोग ज्यादा विद्वान नहीं, हम लोग एक जानते हैं कृष्णस्तु भगवान साम बास, और सब चोर है। बस बताओ और यार प्रश्न है, बाजार नहीं, बहुत हो गया। Translation. Now hear, O son of Pritha, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. Maya Saktamana Pratha Jugang Jinjan Madasraya Asangsayang Samantrang Maam Jatha Gnesasi Tatshino. आज दो रोज से हम लोग जो नास्तिक है असुर है उनका विषय चर्चा कर रहे थे कि असत्तम अप्रतिष्ठं जगदाहु अनिश्चरम, असत्तम अप्रतिष्ठं की जगदाहु अनिश्चरम, जो भगवान है ये असुर लोग का कहना है। असुर लोग कहते हैं जो भगवान है, तो असुर का और एक परिचय है, भगवान खुद बताए हैं कि जो आसुरी भावों मापुण्य है, जो असुर भाव से प्रभावित है, वो
चार क्लास में उसको विभाजन किया जाता है। नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावमास। जो लोग असुर है, असुर आप लोग को समझाया है दो प्रकार का आदमी होते हैं, एक असुर और एक देवता। विष्णु भक्त भवे दैव आसुर सद विपर्य। जो भगवान को भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, उसको देवता कहा जाता है। आप लोग देवता नाम सुने होंगे, जो देवता लोक है, ये सब इंद्र चंद्र वरुण वायु बड़े बड़े सब देवता, ब्रह्मा जी शिव जी ऐसे बड़े बड़े सब देवता है। तो वो देवता उनको क्यों कहा जाता है? न सब भगवान का सब भक्त है और भगवान का आज्ञा अनुसार तो काम करते हैं। भगवान मालिक और सब उनके भृत्य। ये चैतन्य चैतामृत में बताया है जो मालिक जो है वो कृष्ण है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण मालिक है। एकला ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ये शास्त्र का विचार है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण। और भगवान खुद भी बता रहे हैं भगवद गीता में, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये सब शास्त्र का निर्देश है। जो भगवान जिसको आपको मालूम नहीं हो सकता, भगवान खुद आकर के बता रहे हैं कि भगवान क्या जी। ये भारत भूमि में भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण आकर के समझा रहे हैं। यदि भगवान निराकार नहीं है, और निराकार जो है उनकी शक्ति का परिचय है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताए हैं कि मया ततमिदम सर्वम अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति, ये सब दुनिया अव्यक्त मूर्ति। मस्तानि सर्वभूतानि नाहं तेषु अवस्थित। ये सब विचार भगवद गीता में अच्छी तरह से समझाया गया है। तो भगवान है नहीं, ये मूर्खता है। ये मूर्ख लोग असुर लोग कहते हैं। इसलिए असुर लोग का चार विभाजन है। एक तो है दुष्कृति न। दुष्कृति न का अर्थ होता है जो तो सब समय बुरा काम करते हैं। कृति, कृति का अर्थ होता है जो बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला और उसका मेरिट भी है, दिमाग भी ठीक है, बाकी दुष्कार्य में लगा था, इसका नाम दुष्कृति। और जिसको दिमाग ठीक है और अच्छे काम के लिए दिमाग लगाते हैं उसका नाम सुकृति। दो कोई असुर और देवता, तो देवता लोग सुकृति और असुर लोग दुष्कृति। जो सुकृति होते हैं वो भगवान का पास पहुंचते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन। चार प्रकार के व्यक्ति जो सुकृतिवान है। चार प्रकार के व्यक्ति कौन? आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञास। जो सुकृतिवान है, पुण्यवान है, वो दुखी होने से भगवान का पास पहुंचते हैं। जो भगवान मैं दुखी है, आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, तथापि उसको पुण्यवान कहा जाता है। जो दुखी होकर के भगवान का पास पहुंचते हैं वो यद्यपि शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगता ही,
अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपतमा। उत्तम भक्त जो है वो भगवान से कभी कुछ मांगते हैं, वो खाली भगवान को देने के लिए तैयार। तो भगवान हमसे सब कुछ ले लें, हमारा प्राण ही रथ ही दिया वाचा, हमारा प्राण भी ले लें, हमारा धन भी ले लें, और हमारा वचन भी ले लें, और हमारा बुद्धि भी ले लें। ये शुद्ध भक्त का विचार है। जैसे पांडव लोग भगवान सामने है, उनका मित्र कृष्णा, उनको राज्य लूट गया, उनको परिवार स्त्री को अपमान हुआ। बाकी आप लोग देखिएगा महाभारत में, जब कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की भगवान आप हमारा इतना बड़ा मित्र है, अब ये सब हो रहा है, नहीं कभी नहीं बोला, कभी नहीं। भगवान साथ साथ में है, बाकी भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की हमारा दुख मिटा दी। ये शुद्ध भक्त का विचार है। और जो लोग उस दर्जे में पहुंचे नहीं है उसको कहा जाता है पुण्यवान, आगे जाकर के शुद्ध भक्त हो जाए। इसी शास्त्र में निर्देश है, यदि आपके पास कुछ कामना भी है तब भी भगवत भजन की, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न जजेत परमं पुरुष। यद्यपि भगवान से मांगना उचित नहीं है, बाकी साधारण व्यक्ति